से किसी की सलून मैं नहीं जानता आप में जो ऑनलाइन है, किसी की सलून की चाहत है, सलून जो सलून खोलना चाहते हैं कोई, आप जो कोई भी जो ऑनलाइन हो, अगर आप में यहाँ पे आपका कोई घर में कोई फैमिली मेंबर है जो वो सलून खोलना चाहता है, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है आप ब्लेस होंगे और आप बहुत आगे जाओगे, रिसीव करो। तो प्रेरित जी जे बहन बता रही कि इनके बेटे का काम है, वो सलून का काम घर में कर रहा है ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाकर दिल्ली से, और जे बता रही कि उनके साथ जो कुछ और भी काम कर रहे उसके दोस्त, उनका जो चेक है वो आ गया है पर अभी इनके बेटे का नहीं था आया, और जे आज विश्वास कर दे कि जो प्रोफेटिक वर्ड प्रभु के दास के मुख से आया जी इनके बेटे के लिए, और जे विश्वास कर दे कि निश्चय जब भी पहला चेक आए वो जे परमेश्वर के भवन के लिए देंगे, और जे विश्वास करते कि जे परमेश्वर की ओर से, और जे विश्वास करते परमेश्वर ऐसा कर चुके। आमीन, तारीफ करो इस बात के लिए जोर से। और प्रेरित जी कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है। पापा जी, जय मसीह दी। जय मसीह की जी। पापा जी, मेरा बेटा कहिंदा के जदों मेरा चेक पहला होगा मैं तेरे नाल जाऊं, मैं तेरे परमेश्वर दे भवन च दे के आऊं। ओ तारीफ करो जोर से, जोर से। हां देखो देखो एक चीज याद रखना, मैं इसीलिए कहता हूं कि हां आपने कभी मुझसे बात की है जहां कहीं किसी से कि हमारा सलून का काम है जहां ये ऐसा कुछ है? नहीं किया है ना। तो परमेश्वर जानता है, बोलो बोलो क्या है? और मुझे विश्वास है कि अगर परमेश्वर ने इनके लिए ये बात बोली है कि सलून के काम कोई चाहता है और परमेश्वर से ब्लेस करेगा, और निश्चय देखना ये बड़ी ब्लेसिंग आएगी। पापा जी, मैं रोज प्रार्थना करती हूं ना मेरा बेटा जब मैं इथों जानी हां तू परमेश्वर गाड़ी मेरे वास्ते मम्मा मंगया कर, मैं हां जदों तू बैना वा चेयर ते उदों परमेश्वर दा धन्यवाद करया कर। हां देखा, अब मैंने एक बार कहा था ना, मैंने संडे एक भाई साहब को जिसके जिनके पशुओं के लिए मैंने प्रार्थना की थी, और मैं रोज प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर उस चीज के लिए कर रहे, पर मुझे लगता है कि जिनका 45 से 15 किलो दूध रह गया उन्होंने एक बार भी नहीं धन्यवाद किया कि ऐसे परमेश्वर अगर तूने अपने दास के मुंह से ये वचन हमारे लिए दिया, उन्होंने प्रार्थना की धन्यवाद, ऐसा हो चुका है। इसीलिए गवाहियां बनती क्यों नहीं? क्योंकि अगर मैं कर रहा हूं, अगर आप भी उस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो देखना कैसे बड़े बड़े रिजल्ट आएंगे। अगर आप कुछ नहीं ना कर रहे, अगर आप भी धन्यवाद कर रहे हो, जो जो भी आप सुन रहे हो मेरे मुंह से, जहां वचन सुन रहे हो, जैसे आज जो आपने सुना है, बोलो क्या है? देखना बड़ी जल्दी ये चेक की गवाही देंगे, बड़ा परमेश्वर ब्लेस करेगा, क्योंकि कहां से वचन आया ब्लेसिंग का, समझा रहे? और ये सबके लिए, बोलो क्या है? ये सबके लिए, सबके लिए। जी मेरी बहुत चाहत है, मैं अपने घर वास्ते नु सोचदी जिन्ना मैं परमेश्वर लिए सोचदी कि मेरा बेटे नु कामयाब कर दे परमेश्वर, मैं दोनों हाथा ना गोया करा तेरे। जिसके देखो मन में है ना, बोलो क्या है? देखो मैं एक चीज आपको बताता हूं, कईयों के पास ना होता है, पर कई लोग ना, जैसे कईयों के पास बहुत होता है, मैंने संसार में इसीलिए मैंने कहा ना हम संसार के नहीं, यीशु ने कहा तुम संसार के नहीं हो, मैं भी नहीं हूं। कई लोगों का स्वभाव होता है उनका, जितना भी हो ना तो उनको पूछो कैसे काम का है, ओ बस दाल फुल्का ही, ऐसे करके ओ बस मिल दी जा रही रोटी, ऐसे वो कभी अपने मुंह से ऐसे नहीं कहेंगे। क्यों ऐसे कहेंगे? क्योंकि वो इसलिए ऐसे बोलते कि अगर इन्हें कुछ, मैंने कुछ ऐसे बोल दिया कि हमारे पास इतना है तो ये कहीं मांगना नहीं, पर आपको पता नहीं है कि ये बोलकर, ये ऐसा बोलकर आप कौन सा बीस बोल रहे हो? बोलो क्या है? आप कौन सा बीस बोल रहे हो? चाहे कितना अगर है तो बोलेंगे कुछ नहीं जी, बस गुजारा ही है बस है। वो कभी नहीं कहेंगे हाँ जी बहुत खुदा बहुत है। हाँ अगर है भी तो वो बस जी गुजारा ही हो रहा जी बस। हाँ कभी नहीं, वो शो नहीं करेंगे, क्योंकि हम जैसे जो हम मुंह से बोलेंगे वो ही होगा। अगर हम नेगेटिव बोलेंगे तो फिर नेगेटिव ही होएगा, अगर हम अच्छा पॉजिटिव चीज बोल रहे हैं कि हाँ परमेश्वर ने मुझे इतना दिया, इतना ब्लेस किया है। हाँ जैसे इनके पास अभी है तो नहीं है, पर ये इनका ऐसे अंगीकार है, ये विश्वास है कि मैं परमेश्वर के भवन के लिए, उसके काम के लिए दोनों हाथों से बोलना चाहता हूं।
तो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर तो नहीं है, कोई उसके काम के लिए ऐसे ही कह रहा है तो उसे इस्तेमाल ना करे, क्योंकि परमेश्वर तो चाहता है अपनी रास के लिए मेरे लोग आगे आए, क्या है मेरा रास पड़े। तू जो चाहत रखेगा, जो शांस रखेगा, परमेश्वर उसके लिए स्वर्ग भी खोल देगा। क्या करेगा? तो उसे बहुत देगा। क्या देगा? पर जिसके पास है वो देना नहीं चाहता। बोलो क्या है? अगर वो देना नहीं है, क्योंकि इसीलिए यीशु ने कहा लेने से देना क्या है, लेने से क्या है, देना क्या है, बेहतर है, अच्छा है। हम लेते तो बस परमेश्वर से लेते ही हैं, परमेश्वर दे दे दे, पर लिखा लेने से देना क्या है, उत्तम है। बोलो क्या है? अगर देखो, अगर नहीं भी है तो ये अगर ऐसे चाहत कर रहे हैं कि मैं दोनों हाथों से बोना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इनके बोने की गवाहियां मैंने बहुत देखी, जब ये शुरू में आए इनकी आज भी यूट्यूब पर गवाही पड़ी है। बोलो क्या है? सबसे पहले इन्होंने जो काम करते थे वो छोड़ दिया, जितना इनका काम है, जितने पैसे कमाते उससे डबल से भी ज्यादा बीज खुदा के लिए बोते हैं। क्या बोते हैं? इसलिए परमेश्वर ने रास्ता खोला, अब इनके हस्बैंड भी खर्चा दे रहे हैं, इनके बच्चे भी, क्योंकि जब परमेश्वर के लिए हम अपने मन को हृदय को खोलते हैं ना तो रास्ते अपने आप खुलते हैं। बोलो क्या है? इसलिए आपका विश्वास धन पर नहीं किस पर होना चाहिए, क्योंकि देने वाला आपको बहुत देगा। क्या देगा? वो बहुत देगा, बहुत। अगर आपका देने के लिए उसको मन है तो परमेश्वर आपको देगा। पापा जी मैं को कहना, पापा जी मैं आगे मेरे बच्चे भी नहीं विश्वास करते, और मेरे बच्चे दोनों बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। अच्छा। मैं जल्दी कहनी के परमेश्वर जी मेरे बेटे भी पवन जा चुके। आमीन, ऐसा हो चुका है। आमीन। क्योंकि हम यही इसे बोलते हैं फिर देख कर नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये हर बार अपने बच्चों की अपने हस्बैंड की फोटो लेकर खड़ी रहती, मैंने देखा इसे विश्वास के साथ। जब भी ये हजूरी में है ना, बेटों दोनों बेटों की और इसके हस्बैंड की फोटो इसके हाथ में होती है, क्योंकि फेथ है, विश्वास है, और रोज प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर ऐसा कर चुके, ऐसा हो चुका है, मेरे बच्चे भी आ चुके हैं। आप बच्चे विश्वास करने लगे वो आ जाएंगे। हाँ, अगर बोने के लिए ऐसे बोल रहे हैं तो परमेश्वर ऐसे भी करा देगा, क्योंकि जब हम खुदा के लिए जीते हैं तो परमेश्वर अनगिनत रास्ते खोलता है। क्या खोलता है फिर? अनगिनत है, अनगिनत आपके लिए रास्ते खोलता है। बस अपने मन को तैयार करो, क्योंकि अगर आप तैयार हो तो परमेश्वर तैयार है। बोलो क्या है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब कुछ करने के लिए आपके लिए, क्योंकि अपने खुद से नहीं करना, क्योंकि अगर किसी के पास कुछ होगा नहीं तो वो देगा कहां से? बोलो, देगा? अगर मान लो किसी की सरकारी जॉब है, खुदा ने उसे दी, अगर उसके पास होती ना, अगर वो दिहाड़ीदार होता तो कहां से वो देता? तो उसे धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर ये मेरी मेरी काबिलियत नहीं है, ये तेरी दया से ये चीज मिली, धन्यवाद परमेश्वर, हम इससे देंगे तेरे लिए, है ना? जो होगा ही नहीं तो कहां से देंगे? इसलिए जब हम ऐसे मन तैयार करते हैं परमेश्वर को देने के लिए कि परमेश्वर हम तैयार हैं, बोलो क्या, हम तैयार हैं तेरे लिए करने के लिए, तो फिर परमेश्वर बहुत देता है। बोलो क्या है फिर? वो आपके बहुत रास्तों को खोल देगा। आमीन, आमीन। तारीफ करो जोर से, जोर से।